जैसे हाई वोल्टेज का बात कर रहे हैं, डर लगता है। इतना लंबा मैं कभी भी पूजा में बैठा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है। कैसे है तू, कैसे है? मेरी छोटी बहन यानू इसे बहुत प्यार करती है, ये इसकी माँ है। चल ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, ओके? हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही सवेरे सवेरे मैं उठा हूँ और टाइम हो रहा है 5:30। माँ उठ चुकी है, माँ रोज सवेरे सवेरे उठ जाती है अराउंड 5 o'clock, और वो उठ कर चली जाती है बाहर फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें सवेरे सवेरे पूजा करना होता है। मैं चला साइकिलिंग करने के लिए, और साइकिलिंग करने से पहले आप सबको पूछ लेता हूँ कि आप सब कैसे हो, अच्छे होंगे? तो मैं साइकिल यहाँ पर खड़ा है, ओके। सो वैसे ये मेरी छोटी बहन यानू का साइकिल है। रोज मैं करीब 12 से 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं साइकिलिंग कहाँ करता हूँ। वैसे मैं अभी आपको मैप दिखा देता हूँ कहाँ से मैं साइकिलिंग स्टार्ट करता हूँ और किस रूट से फिर मैं वापस आता हूँ। तो चलो ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। दिस इज सागर लामा, व्हाट्सअप कैसे करते हो, एंड नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल बाइक में बड़ी विद अनदर ब्लॉग। तो मॉर्निंग काफ़ी सारे लोग दे वॉक ऑन रोड्स, तो सबको फिट रहना है आजकल के इस दौर में, क्योंकि अभी कोरोना भी है और कोरोना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सबके लाइफ में, जिसके कारण से सबको फिट रहना बहुत ज़रूरी भी है, ओके? सो ये अच्छी बात है। किसी के घर में तो पूजा चल रहा है क्योंकि घंटी का आवाज़ आ रहा है। Look at the climate also, climate is so nice. सवेरे सवेरे क्लाइमेट अच्छा रहता है। देखते हैं कि आज सनराइज देख सकते हैं क्या, देखते हैं। तो ये है कॉलेज, वी सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, शानदार है। तो हम पहुंच चुके हैं हाईवे जो कनेक्ट करता है बुरला, ये संबलपुर और ये बरगढ़। तो हमें अभी राइड लेना है। ये जंक्चर जो है थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ा सा सेफली यहाँ से निकलना पड़ता है। सामने एक खूबसूरत सा ब्रिज है, तो ये है पीसी ब्रिज, पावर चैनल ब्रिज बोलते हैं इसे। बुरला से बहुत सारे भाई लोग आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो शूट करते हैं, और ये है भी काफ़ी खूबसूरत अंदर की तरफ अगर फ़ोटो किया जाए तो। पर हम निकलते हैं, अभी जाएँ क्या, चलो सामने से जाते हैं आगे। वेल यहाँ पर वैसे अलाउ नहीं है, सामने आप देख रहे हो ये पटरी है, कॉशन नोटिस, हाई वोल्टेज ट्रैक्शन है, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये जगह, बट हम छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे हाई वोल्टेज का बात कर रहे हैं, डर लगता है। तो ये है वो प्लेस खूबसूरत सा, वहाँ पर सूरज जो है अभी राइज हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे चिड़िया हैं। तो दिस इज़ द रिजर्वर। बुरला में जो कैनाल है, कैनाल का पानी यहाँ पर आकर स्टोर होता है, साइफन है वहाँ पर। जब यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, दैट्स एन ऑटोमेटिक साइफन, और पानी वहाँ से रिलीज़ हो जाता है नदी की तरफ। वहाँ पर हिराकुद नदी है, और इस तरफ भी सामने की तरफ कैनाल है जो कि दूसरे गाँवों को सप्लाई करता है वाटर। तो यहाँ से निकलते हैं। वैसे मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पर, ये पहली बार आया हूँ मैं। ये जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, थोड़ा सा ख़तरनाक है इस रास्ते में साइकिलिंग करना, और आप कॉर्नर में साइकिलिंग कर सकते हो, बट वैसे साइकिलिंग के लिए ये सही जगह है नहीं। काफ़ी लोग साइकिलिंग करते हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ साइकिलिंग करने के लिए। सामने एक रेलवे स्टेशन है, हीराकुद रेलवे स्टेशन, तो वहाँ मिलते हैं। तो ये है हीराकुद स्टेशन, ये एक छोटा सा स्टेशन है, तो जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं वो यहाँ पर शायद नहीं रुकता है, जो लोकल ट्रेन होता है वो यहाँ पर होल्ड करता है। तो यहाँ पर होल्ड करके आप बुरला आ सकते हो, यहाँ से बुरला करीब 6 किलोमीटर के आसपास है। ये है हीराकुद, अपना हीराकुद स्टेशन। साइकिल में लॉक तो है,
बट इसका की नहीं है, तो साइकिल को ऐसा छोड़ कर जाना सही नहीं है। ठीक है, फिर किसी दिन मैं आपको हीराकुंड स्टेशन भी दिखाऊंगा। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, यानी कि करीब करीब मैं 7 किलोमीटर भी साइकिल चला चुका हूँ, और यहाँ से उतना ही किलोमीटर मुझे वापस घर जाने के लिए लगेगा। सो ये है संबलपुर यूनिवर्सिटी, ए ग्रेड बाई NAAC। सो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर IIM भी है, IIM संबलपुर। ठीक, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, दिस बिल्डिंग इज IIM। ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये प्लानिटेरियम है, और इसके साइड में काफ़ी सुंदर गार्डन भी है। इसमें कुछ 9 से 10 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया साइकिल में। ये आप देख रहे हो भीमसार VSSIMSAR, ये वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। कोविड का तो काफ़ी सारा सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। सो माँ पूछ रही थी, तू रात भर सोया नहीं है ना? अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो रात को सिर्फ 3 से 4 घंटा में सो रहा हूँ। माँ एक पंडित से बात किए हैं, कुछ पूजा रखवाए हैं माँ ने। ये जो अभी फेस चल रहा है मेरे लाइफ में, ये सबसे बुरा फेस चल रहा है। रात को नींद नहीं लग रहा है। लाइफ में मैंने कभी भी मेडिसिन का सहारा नहीं लिया सोने के लिए। नाउ आई एम टेकिंग पिल्स। तैयार हूँ मैं बाहर जाने के लिए। इनफैक्ट मैं नहीं, पूरा फैमिली जा रहा है, और पूनम घर में रह रही है। हम जा रहे हैं झारसुगड़ा। तो माँ ने पंडित को दिखाया था मेरे बारे में, और पंडित का कहना है कि मेरा जो ग्रह नक्षत्र है वो सही नहीं है, सो इसीलिए ये पूजा रख रहे हैं। और हम जा रहे हैं झारसुगड़ा, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा होगा। अभी 8 बज रहे हैं, मैं कुछ भी खाया नहीं हूँ, चाय तक पीने के लिए मना किए हैं। तो ये जूस है, तो ये जूस मैं पी रहा हूँ, तो मिलते हैं फिर आगे। अभी सब निकल रहे हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा हॉल्ट लिए हैं, क्योंकि कार में डीजल डलवाना है। डीजल का प्राइस अभी 98.60। तो हम झारसुगड़ा पहुँच चुके हैं, और ये बॉम्बे छक है। अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर फल लेने के लिए। सवेरे से कोई कुछ खाया नहीं है, तो माँ अभी केला खा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि मैं कल रात को भी डिनर नहीं की थी अच्छे से। मैं तो नहीं खा सकता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, ये पीछे मंदिर है, श्री मुक्तेश्वर मंदिर। इसे उल्टी उल्टी लग रहा था, अभी भी वही फील हो रहा है, लेकिन उल्टी अभी बंद हो गया। कहाँ को दूध है? बहुत गंदा दूध है। वो उधर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से करीबन थोड़ी आगे ही हमारे मामा का घर है। पूजा खत्म होने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। तो ये OSP है, OSP कॉलोनी, उड़ीसा स्टेट आर्म पुलिस, ये 2nd बटालियन है ये। सो भी हम मंदिर के अंदर हैं, जो भी पूजा का सामान था सब मंदिर के अंदर हम रख दिए। ये है नंदी महाराज, सामने शिव जी का मंदिर है। ये है हनुमान जी का मंदिर। ये है शनि जी। यहाँ पर मैं रहा हूँ 3 साल, मैंने अपना BSc यहीं कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और मुझे याद है कि किस तरह से हम रात भर यहाँ पर जगकर भजन कीर्तन किया करते थे। दो ये दो, यू नो इट वाज इन 2006-07। तो यही एक मंदिर हुआ करता था, मेन मंदिर शिव जी का, और ये वाले जगह में हम भजन कीर्तन किया करते थे। अभी भी पूजा का तैयारी चल रहा है, सो हवन वन सब बना रहे हैं, पंचामृत, और भी बहुत कुछ है, मुझे वैसे सब पता नहीं है, पर सारा तैयारी चल रहा है। मेरे काका काकी भी आए हुए हैं अभी।
ओम असेम असेसतु तापराय नमः ओम अहोर रूपाय नमः पानी देने पिउनको को लागि थोरै पानी दिनु हे प्रभु सबै बसिदा प्रसन्न हुनु होला भन्ने केही जानेको छैन म अज्ञान छु मबाट कुनै मैले कुनै गल्ती गरेको रहेछ भने मलाई माफ गर्नु होला भनेर है माथि जसरी राखेछ नि त्यसरी राखेर भयो नौवटा ग्रहलाई नौ प्रकारको कार्ड हुन्छ क्या ओम स्कंदाय नमः जयवे करो वे विनियोगा स्वाहा आदि भ्यो नमः जयवे करो वे विनियोगा स्वाहा ओम आदित्य भ्यो नमः स्वाहा। फाइनली पूजा खत्म हो गया है आफ्टर 2-3 आवर। बहुत लंबा, इतना लंबा मैं कभी भी पूजा में बैठा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं टूटा सुबह से, तुमने कुछ नहीं खाया। सूरज भैया और मैं तो मामा के घर चले गए, सामने में ही था और हमने वहाँ पे जाके मैगी वैगी ठूस के आगे वापस सो फाइनली अब मंदिर से निकल रहे हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर सामने एक छोटा सा तालाब है, तालाब में जाकर जो भी पूजा का जो अवशेष है इसे विसर्जन करना है। इसे विसर्जन करके फिर शायद हम मामा मम्मी के घर जाएंगे और वहाँ पर आज का जो लंच होगा। सो हम मंदिर से डायरेक्ट अभी मामा के घर आ चुके हैं एंड ये है मामा का बेबी बेटा। इनका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, तुम नाम बताओ। बता नाम क्यों, नाम क्यों बंदो बंदो छिटो, नाम क्यों? कार्तिक बंदो थे बट मेरे नाम कार्तिक को बंदो का, मेरे नाम कार्तिक को बंदो। सो अभी हम रंगाली पार कर चुके हैं और शासन के आसपास है, यहाँ पर रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। यानू सो गई थी रास्ते में तो मम्मी पापा जा चुके हैं, मैं भी चलता हूँ। यानू यहीं पर कार में बैठी हुई है, अभी इसे ठीक नहीं लग रहा तो मैं चलता हूँ और यानू के लिए कुछ लेकर आ जाऊँगा ना। क्या जस्तो कुछ भी, दिस इज व्हाट वी आर ईटिंग। माँ यहाँ पर खा रही है बड़ा, माँ भी चाय पी रही है। हेलो दोस्तों, को डस्टबिन में फेंक कर आते हैं। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट थोड़ा गर्म है इसीलिए। रसगुल्ला बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था, बस एक नंबर रसगुल्ला। नहीं वो बड़ी मूर्ति पूरा पैक हो गया, इतना थोड़ा मीठा पिटा बड़ा पिज्जा चाउमीन उसको चाउमीन चाहिए भी और भी खाना चाहती है। अभी निकलते हैं हम घर के लिए और घर जाकर इसे एंड करेंगे। We reached home and we were very very tired. We all were tired. जैसे घर पहुंचा मैं तो बेड पकड़ लिया, सो गया मैं और अभी जस्ट फ्रेश होकर फिर से आपसे बात कर रहा हूँ। इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया। दिस इज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इन एथलीट सेगमेंट। तो ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था कि किस तरह से यू नो शनि राहु केतु का पूजा किया जाता है, सब अच्छा से हुआ ऑन दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स। समवेयर यू नो व्हेन यू गो थ्रू certain situation you make yourself feel like okay let's do everything possible, and my mom she trust on all this kind of rituals, she believes on all this. Aaj ke liye itna hi, aur so agar ye vlog aapko acha laga ho to please like comment aur subscribe kar dijiyega. Jo naye hain please do subscribe the channel. So thanks for making me part of your day, see you in my next vlog. Until then live a beautiful life, ride safe and make memories. Bye bye.